वेलकम टू आवर चैनल वेलकम टू आवर चैनल साई वर्धन किट्टूर। आज मैं बना रही हूँ कच्चा पपीता की सब्ज़ी। इसका बेनिफिट्स मैं बता दूँगी, एंड तक देखिए, स्किप नहीं करना वीडियो। अभी मैं कच्चा पपीता को धो के रखी हूँ। अभी इसका पहले छिलका निकालेंगे। छिलका निकालने के बाद अभी ये देखिए, मैं छोटा छोटा पीस करूँगी। अच्छे से बीन्स निकाल के पीस करना है, कट करना है। ये देखिए, मैं भी कट कर रही हूँ। इसका बेनिफिट्स क्या है? ये सब्ज़ी वेट लॉस के लिए यूज़ होता है और स्किन ग्लो के लिए और शुगर पेशेंट के लिए बहुत हेल्पिंग सब्ज़ी है ये। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए। ये देखिए, मैं अभी इतना बड़ा पीस कट कर लिया। अभी इसका इंग्रेडिएंट बता दूंगी। ये देखिए, आधा टीस्पून जीरा, दो हरा मिर्च कट करके रखी हूँ और आधा इंच अदरक छोटा छोटा पीस करके रखना है और आपका टेस्ट के अनुसार नमक और दो टीस्पून घी। मैं अभी कुकर पहले गरम करने के लिए रखी थी, अभी गरम हो गया कुकर। अभी इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी। घी डाल रही हूँ मैं, स्लो फ्लेम में घी गरम करना है, नहीं तो जल जाएगा। घी अच्छे से गरम होने के बाद इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, जीरा को अच्छे से भून लेना है। इसके बाद छोटा छोटा पीस अदरक डालेंगे। अदरक डालने के बाद डालेंगे हरा मिर्च, आपको जितना तीखा चाहिए उतना तीखा डाल सकते हैं। मैं इधर मीडियम रख रही हूँ। एकदम सिंपल सब्जी है। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं कच्चा पपीता। इसको थोड़ी देर भूंजना है। पानी कुछ नहीं डालना है, ऐसे इसको घी में फ्राई करना है, घी में। और इसको अभी नमक डाल रही हूँ मैं, आपका टेस्ट का अनुसार। नमक डालने के बाद और 5 मिनट इसको भूंजना है। ये देखिए, मैं भी भूंज लिया। अभी इसको ढक्कन लगाकर 2 विजिल लगाना है। देखिए, 2 विजिल हो चुका है। ठंडा होने तक रखेंगे। ये देखिए, हमारा सब्जी तैयार है। अभी इसका ढक्कन खोल के देखेंगे सब्जी पक गया है क्या नहीं, चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा सब्जी एकदम तैयार है। अभी इसको सर्व कर लेते। ये आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है सब्जी। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।